कहानी श्रेया की जुबानी। सुबह के अलार्म से मेरी नींद खुल गई। आंखें खोलकर मैं बिल्कुल चौंक उठी। मेरे कमरे में नहीं थी बल्कि मैं होटल के रूम में थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं यहाँ कैसे आ गई। तब ध्यान आया मैं पुणे के होटल में हूँ। आज एक बहुत बड़ा इवेंट अटेंड करने वाली हूँ। बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिलने वाला है। मैंने अपनी फैशन डिजाइनिंग की फार्म पिछले एक साल से खड़ी की है। अपने पापा की लॉ फार्म से बिल्कुल अलग हटकर मैंने यह बिजनेस बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू किया था और आज मेरे पास 100 से भी ज्यादा औरतें काम करती हैं। मेहनत करके मैं कपड़ों के लाइन में इवा ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया। मैं उठकर वॉशरूम जाकर फ्रेश हो गई और फिर तैयार होकर बाहर निकल गई। अवार्ड फंक्शन में जाने से पहले मैं आसपास के मॉल में जाना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ मेरे ब्रांड किस तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं और कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है। मार्केट सर्वे करते करते एक बात का पता चला, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेल ज्यादा होती है। मैं नई सोच दिमाग में लिए घड़ी को देखी तो 1 बज गए थे। सामने एक रेस्टोरेंट में जाकर मैंने अपना लंच लिया। फंक्शन 3 बजे से शुरू होने वाला था। मैं जल्दी से तैयार होकर उस इवेंट में पहुंच गई थी और वह भी ढेर सारे एंटरप्रेन्योर आए थे। लड़कियां कम थी, लड़के ज्यादा थे। सभी एंटरप्रेन्योर एक एक करके अपने बिजनेस के बारे में बताने लगे थे। जब मेरी बारी आई मैंने भी अपने बिजनेस के बारे में सबको बताया। ऐसे ही फंक्शन चलता रहा। मेरी एक कॉल आ गई। मैं उठकर बाहर निकल गई और फोन पर बात करने लगी। बात करके जब मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठी तब बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड डिक्लेयर हुआ। अवार्ड पार्किंग नाम के एक कंपनी को गया था। उसके CEO जैसे ही स्टेज पर आए उसको देखकर एक पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल थम सा गया था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। उसकी नजरें मुझसे मिली, उसके चेहरे पर एक गुस्से का भाव था, बिल्कुल बैड बॉयज लुक। फिर मुझसे आंखें हटा ली। अवार्ड लेकर अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा किया। वह कोई और नहीं मेरे बचपन का प्यार ईशान था। इतनी देर तक उसे यहाँ नोटिस नहीं किया था। पता नहीं उसने भी मुझे देखा था या नहीं, पर मैं तो स्टेज पर गई थी। उसे स्टेज पर अपनी कंपनी के बारे में बताते हुए नहीं सुना। शायद जब मैं फोन कॉल पर थी तब वह आया होगा। तभी अनाउंस हुआ कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर फीमेल का भी अवार्ड दिया जाएगा। जब उन लोगों ने मेरा नाम लिया मुझे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तो यह बिजनेस पैशन के रूप में चलाना चाहती थी। कभी सोचा नहीं था मुझे अवार्ड भी मिलेगा। मैं स्टेज में आ गई, अवार्ड लेकर अपने पूरे टीम का धन्यवाद किया और फिर मैं अपने सीट में वापस आ गई। अब लोग पार्टी में स्नैक्स और डिनर लेने लगे थे। जान पहचान बनाने के लिए सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं कुछ मॉल के मालिक से बात कर रही थी तभी मेरी नज़र उस पर गई। उसकी तरफ देखकर मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे। पूरे 8 साल हो गए हैं उससे जुदा हुए। शुरू में वह कॉल किया करता था लेकिन बाद में हम अपने अपने जिंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। 6 महीने तक फ़ोन में बात करने के बाद और कुछ नहीं, सब खाली। फिर कॉलेज, पढ़ाई, बिजनेस, अपनी ही दुनिया में खो गई थी। ईशांत कहीं खो गया था। आज उसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात फिर से जागने लगे थे। मैंने देखा ईशांत के आसपास कुछ फीमेल एंटरप्रेन्योर हंस हंस के बात कर रही थी और वह भी चेहरे में मुस्कुराहट लेकर उनके साथ बात कर रहा था। मैंने सोचा यह बदला नहीं, अभी भी बैड बॉयज ही रह गया है। तभी एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर उसके कान में कुछ कही, उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस फ्लोर में चला गया। दोनों साथ डांस करने लगे। उसे देखकर लगा मेरे दिल में कोई हथौड़ा मार रहा हो। ईशांत मुझसे इतना दूर चला गया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैं अपनी आंखें हटा ली। मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी थी। मैं यहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं थी उससे मिलने को। कुछ देर में वह मेरे पास आ गया, कहा कैसी हो श्रेया। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, तैयार नहीं थी। सर झुकाकर कही मैं ठीक हूँ। जब मैं उसके ऊपर नजर उठाई पहले से अब ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसका शरीर काफी गठिला और मजबूत था। अब वह 16-17 साल का लड़का नहीं रह गया था। उसकी आंखें देखकर लग रहा था मुझे देखकर खुश नहीं है। चेहरे पर एक गुस्सा था। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। मेरी नजर उसके होंठों पर गई। कभी इन होंठों को मैंने चूमा था। यह सोचते ही मेरे अंदर एक सिहरन सी उठने लगी। मैंने पूछा तुम कैसे हो। मेरी तरफ देखकर कहा बहुत बिजी हूँ। इतनी बड़ी कंपनी है जो संभालने में उलझा हुआ हूँ। बस पार्टी में हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी।
उससे बात करने में। मैं अपना दिल के जज्बात दिल में ही दबाकर रखना चाहती थी। जल्दी ही मैं वहाँ से निकल गई थी। अपने होटल आ गई उसके बाद जोर जोर से सांस लेने लगी। मुझे वह लम्हा याद आने लगा जब हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। वह मेरे पीछे दीवाना था, पर वह गरीब लड़का था, हमारे बीच में दीवार थी। उसने मुझसे कहा था, एक दिन मैं अपने आप को तुम्हारे लायक बनाऊंगा। और फिर हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। पढ़ाई में एक दूसरे की मदद किया करते थे। और एक बार मैं बारिश में भीगी हुई पेड़ के नीचे खड़ी थी जब मेरा दोस्त रोहित मेरे साथ बदतमीज करना चाहता था और उसने मेरी इज्जत बचाई थी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था और हमारे बीच में वह किस हुआ था। उसके बाद हमारे रास्ते अलग गए थे। मेरे पापा को हमारे बारे में पता लग गया था और उन्होंने मेरा स्कूल बदलवा दिया था और आज पूरे 8 साल बाद हम यूं मिले। अगले ही दिन मैं अपने शहर में आ गई थी। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। अचानक मुझे लगा ईशांत की कंपनी के बारे में पता लगाते हैं। जब मैं इंटरनेट में पार्किंग टाइप किया तो मुझे हैरत का झटका लगा। उसकी कंपनी मेरे डैड और मेरी कंपनी से काफी बड़ी हो चुकी थी। बहुत कम समय में उसने काफी उन्नति कर ली थी। उसे कंपनी के लिए अच्छे इन्वेस्टर मिल गए थे और काफी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मिल गए थे, इसलिए उसकी कंपनी आज इतनी ऊपर उठी है। तभी मैंने अपने मैनेजर को बुलाया। मैंने कहा, आजकल लोग ऑनलाइन ही अपने फैशन के कपड़े खरीदते हैं, हम भी अपनी कंपनी को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। आप आईटी कंपनी से संपर्क करें ताकि हम अपना खुद का वेबसाइट बना सके जिसकी मदद से हम कपड़े बेच सके। मैनेजर ने सारी तैयारी कर ली थी। मेरे पास आकर कहने लगे, श्रेया हमने काफी सारी कंपनियों से इस बारे में बात की है, पर सबसे कम प्राइस में एक इंडस्ट्री हमारे प्रोजेक्ट को करने को तैयार हो गए हैं। आज उस कंपनी से हमारी मीटिंग है। मैंने कहा, ठीक है, तैयारी करो। कुछ देर बाद मेरा मैनेजर अरविंद मेरे पास आ गया। कहने लगा, कंपनी के लोग आ चुके हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे अरविंद पर भरोसा था, उसने कंपनी को काफी अच्छे से हैंडल किया था। जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आई, मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, जैसे कि मैं भूत देख लिया। कहानी ईशांत की जुबानी। मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ अपना यह बिजनेस खड़ा किया। आज मुझे बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। जैसे ही मैं स्टेज पर गया, मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। अब तक मैंने उसे नोटिस नहीं किया था। एक पल के लिए मेरे चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया था। अगले ही पल उससे नजरें हटा ली, फिर देखा फीमेल बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड उसे मिल रहा है, मेरी बचपन का प्यार श्रेया। पर अब सब कुछ बदल चुका है, मेरी लाइफ बिल्कुल उलट पुलट हो चुकी है। मेरी लाइफ में अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक से एक औरतें मेरे पीछे हैं। जब से मैं कामयाबी की मुकाम तक पहुंचा हूं, एक से एक खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे लाइन लगाए खड़ी है। मैंने आंखें तिरछी करके देखा तो वह कुछ मॉल के मालिक के साथ शायद बात कर रही थी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। तभी एक खूबसूरत लड़की, एक यंग एंटरप्रेन्योर मेरे साथ डांस करना चाहती थी। मैं उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, फिर डांस फ्लोर में आकर उसके साथ डांस करने लगा। देखा श्रेया तब भी उन लोगों से बात में बिजी थी, जैसे कि मैं उसके सामने हूँ ही नहीं। मेरे दोस्त सही कहते थे उसके बारे में, रईस बाप की बिगड़ी बेटी। उसके साथ डांस करते करते अचानक मेरी नज़र श्रेया पर पड़ी तो देखा वो मुझे ही देख रही थी। मुझे देखकर अपना चेहरा झुका लिया था, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके साथ डांस खत्म करने के बाद कुछ और औरतें मेरे साथ डांस करना चाहती थी, पर मैं एक बार श्रेया से बात करना चाहता था। वो काफी परेशान लग रही थी। उसके पास आ गया, उससे बात करते हुए देखा कि वो पहले जितनी ही खूबसूरत है। उसके होंठ अभी भी वैसे हैं जैसे उस वक्त थे जब बरसात में भीगती हुई मुझे किस की थी। आज सोचते ही मेरे अंदर से कांपने लगा। उसे देखकर लग रहा था मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं है, मुझसे ठीक से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मैं भी गुस्से से कहा, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में मैं बिजी रहा और फिर एक बार देखा तो वह कहीं नहीं थी। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब उसके मैनेजर ने हमसे कांटेक्ट किया। वह अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहती थी। हमें वह प्लेटफॉर्म तैयार करना था। मैं यह कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में चाहता था, इसलिए मैंने कोटेशन का अमाउंट बहुत कम कर दिया था। मेरी मैनेजर टीना ने कहा, ईशांत यह क्या कर रहे हो, इतने कम ऑफर तुमने क्यों दिया, इससे तुम्हारी कंपनी को नुकसान हो जाएगा। मैं उसकी तरफ देखी, कहा यह पर्सनल है। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा,
हमें लॉस नहीं होगा। हाँ, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा पर लॉस भी नहीं होगा। वैसे ही ऑफर दिया है। वह जरा भी खुश नहीं थी। कहने लगे, इस कंपनी से तुम्हारा कोई पुराना नाता है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, उसके बाद का जवाब नहीं दिया। आज कंपनी की प्रेजेंटेशन थी, मैं वहाँ पहुँचकर अपनी फाइल्स रेडी कर रहा था, तभी वह अंदर आ गई। मुझे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, जैसे कि उसे मालूम ही ना हो। एक पल अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। अगले पल आकर वह चेयर पर बैठकर सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया, कहा लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल प्रोफेशनल हो गई थी। मैं भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से उसे प्रेजेंटेशन दिया। उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अपने मैनेजर के साथ अपने चेंबर में चली गई। हम उसी जगह बैठे कॉफी पी रहे थे। थोड़ी देर में एक औरत कॉन्फ्रेंस हॉल में आई। कहने लगी, मिस्टर ईशांत, श्रेया मैडम आपसे अकेले में बात करना चाहती हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जब मैं उसके कमरे के अंदर आया, उसने मुझे बैठने को कहा और फिर वह सारे ऑफर मेरे सामने खोल कर रख दिए जो दूसरे कंपनी से मिले थे। कहने लगी, आपका प्राइस सबके ऑफर से इतना लो क्यों है? जहां दूसरे कंपनी इतना चार्ज कर रही है, आपकी कंपनी इतनी कम अमाउंट कैसे चार्ज कर रही है मिस्टर ईशांत? मैंने कहा, आप मुझे अपनी कंपनी सीक्रेट क्यों बता रही हैं? मैं उसे देखने लगा। मैं यह प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं कर रहा था, मुझे यह डील हर हाल में चाहिए थी। वह भी मेरी ओर देख रही थी, जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, मिस श्रेया, अगर आप चाहें तो हम लंच पर इस बारे में बात कर सकते हैं। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कि अंदर ही अंदर घबरा रही हो। उसने कहा, यह अनप्रोफेशनल नहीं होगा। मैंने कहा, मैं आपको डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, एक बिजनेस लंच के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका चेहरा मानो लाल हो गया था। और इसमें बिजनेस कार्ड ही डिस्कशन होगा, कोई पर्सनल बात नहीं होगी मिस श्रेया, आप निश्चिंत रहें। उसका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगी, लेकिन अपने आप को संभाल कर कहने लगी, ओके मिस्टर ईशांत। मैंने कहा, फिर चलिए। लंच मेरी तरफ से एक पल मेरी तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। अगले ही पल उसने अपनी पर्स ले ली, मेरे साथ बाहर निकलने लगी। मैंने अपनी बुगैटी की तरफ इशारा करके कहा, मेरी कार में चलते हैं। मेरी कार को देखकर एक पल के लिए सरप्राइज्ड हो गई, आंखें बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन फिर अगले ही पल गहरी सांस लेने लगी। मैंने उसे अपनी कार पर बैठाया और फिर शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में उसे लेकर आ गया। हैरत से देखने लगी, फिर मेरी तरफ देखकर कही, आपको बिजनेस में लॉस नहीं हो जाएगा मिस्टर ईशांत? पहले ही आपने बहुत ही लो प्राइस कोटेशन दी है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था। अब मैं वह गरीब ईशांत नहीं रहा जो लोगों के घर में न्यूज़पेपर फेंका करता था, पापा के साथ केबल टीवी का बिजनेस किया करता था और मैं पुल पर चढ़कर केबल की लाइन ठीक किया करता था। इतनी काबिलियत मेरे अंदर है कि मैं श्रेया को सबसे बेहतरीन जगह पर लंच करवा सकूं। हम दोनों अंदर आ गए थे। टेबल मैंने पहले से ही रिजर्व करा लिया था। मैंने देखा वो मेनू की तरफ ना देखकर उसके प्राइस की ओर देख रही थी। मैंने कहा, मिस श्रेया, आप गलत जगह देख रही हैं। उसके उल्टे साइड में देखिए मेनू लिखा है, उसकी कीमत ना देखिए। मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे नजर आया वह मासूमियत जिस पर मैं दिल हार बैठा था। मैंने कहा, अपनी पसंदीदा खाना ही मंगवाएं। उसने अपने लिए कुछ मंगवाया और मैं भी। लंच के बाद मैंने उससे कहा, मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मुझे ऐसे देखने लगी जब मैं उसे पहली बार डांस के लिए पूछा था। कहने लगी, मेरे साथ डांस करेंगे आप? मैंने कहा, यहाँ और कोई नहीं है तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। उसने हाँ कहा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हाथ उसके कमर पर रख दिए, उसे अपने करीब खींच लिया और डांस करने लगा। मैंने कहा, आपको मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? उसने कहा, ठीक है, पर आपका कोटेशन इतना कम क्यों है? आपने अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे यह प्रोजेक्ट हर हाल में चाहिए, समझे, मेरा यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसने कहा, खुद को लॉस करवा कर? मैंने कहा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि इसके लिए मैं कोई आदमी नहीं लगाऊंगा, मैं खुद यह करूंगा। तो मेरी तरफ देखने लगी। उसके खूबसूरत होंठ मेरे सामने थे और फिर से उसको मैं दोबारा महसूस करना चाहता था। मुझे अपने आप को रोकना था हर हाल में। टीना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अपने आप को याद दिलाने लगा। आज सब कुछ बदल चुका था। मैं 17 साल का लड़का नहीं रहा। डांस के बाद मैंने कहा, मुझे चलना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही होगी। यह कहकर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने आप से ही शायद कहा, गर्लफ्रेंड? मैंने कहा, चलिए पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसने कहा, जरूरत नहीं है, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी, आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाएं। अब मैं गुस्से से उसकी तरफ देखा, हाथ पकड़ लिया, उससे कहा, चलो मेरे साथ। मेरे चेहरे में गुस्से वाले लुक को
देखकर एक पल के लिए पीछे हट गई। उसकी आवाज बंद हो गई। मैंने उसे जबरदस्ती अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर आ गया, उसे अपने साथ बैठाया, फिर पूछा कहाँ जाना है, ऑफिस या घर। उसने कहा मुझे रोहित के घर पर ड्रॉप कर दो। उसके मुंह से रोहित का नाम सुनकर मेरे सीने में आग लग गई। यह वही लड़का है, इसने सालों पहले हम दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया था, हमारी किस की तस्वीर उसके पापा को भेजकर, और यह मुझसे दूर होकर आज उस लड़के के करीब चली गई जो उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मुझे चुपचाप देखकर कहा क्या हुआ। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी आंखों में गुस्सा था। कहने लगा तुम उससे अब भी दूर नहीं हुई। कहकर मैं सीधे गाड़ी चलाने लगा। उसने कहा तुम गलत रास्ते में चला रहे हो, पर मैं जानता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं सीधे अपने घर आ गया, कार से उतरकर उसका दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया उतरो। वह घबराकर कार से उतरी। अब चलो मेरे साथ। मैं उसे अपने घर पर ले आया। उसने कहा तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई ईशांत। उसके करीब आ गया। कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती, अब तक रोहित से रिश्ता रखी हो। उसने कहा तुम उनसे दूध के धुले हुए हो, तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है ना, मैं अपनी निजी जिंदगी में क्या करती हूँ, उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी इस प्रोजेक्ट के डबल चार्ज लूंगा। मैं तुम्हारे लिए चार्ज कम रखी थी, पर अब और नहीं। जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी के अभी। कहानी श्रेया की जुबानी। उसकी अचानक इस तरह के बर्ताव से मैं बिल्कुल घबरा गई थी। वह मुझे अपने घर से निकाल रहा था। मैं अपने आप को मजबूती से संभाल रखा था ताकि उसके सामने न रो। तो मैं उसकी घर की बिल्डिंग से बाहर निकल आई। अब मुझसे रुका नहीं गया, मैं रोने लगी। मेरे सीने में दर्द हो रहा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा, जैसे कि मैं उसकी नौकरानी हूँ। किसी तरीके से मैं अपने घर पहुँच गई थी। घर आकर मैं रोने लगी। जाने मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा था, मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखर कर रह गई थी जब से ईशांत मेरी जिंदगी से दूर चला गया था। भले ही मैंने अपना ध्यान पढ़ाई कैरियर में लगाया था, लेकिन मेरे पापा मेरी शादी रोहित से ही करवाना चाहते थे। रोहित को मौका मिल गया था क्योंकि मैं तन्हा थी, पर मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने बचपन में मेरे साथ जो कुछ भी किया था, मेरे डैड ने मेरी बात का कभी यकीन नहीं माना। मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे डैड और मम्मी मेरी शादी उसी से करवाना चाहते हैं। एंगेजमेंट के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, फिर मैं अब तक उसे टाला हुआ है। मैं 24 साल की हो चुकी हूँ और मेरे घर वाले 1 साल के अंदर मेरी शादी करवा कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। हालांकि मैंने अपने डैड को साफ शब्दों में कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, कम से कम 5 साल तो नहीं। पर मेरे डैड ने ही मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हूँ। जहाँ आज ईशांत के पास सब है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरी झोली एकदम खाली है। तभी मेरे मोबाइल में मेरे मैनेजर अरविंद का कॉल आई। उसने कहा मैडम ईशांत सर के साथ आपका कोई इश्यू हो गया क्या, उन्होंने अपनी कोटेशन की रेट्स रिवाइज्ड भेजी है, वह डबल कर दी है। मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने कहा कल मैं ऑफिस आकर इस बारे में डिस्कस करूंगी। जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ ईशांत ने किया था, उसके साथ मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने अपना मन बना लिया था। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची, मैंने अपने मैनेजर को अपने पास बुलाया। मेरा मैनेजर कहने लगा मैडम उनका ऑफर डबल कर दिया है, फिर भी यह सबसे कम है। मैंने कहा इन प्रोजेक्ट को आप भूल जाइए, इसमें काफी ज्यादा खर्चा है। एक वेबसाइट बनाने के चक्कर में इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। हमें पता ही भी नहीं इसमें हमारा ब्रांड के कपड़े सेल होंगे भी या नहीं। ऊपर से हर महीने सर्वर कॉस्ट। आप उन सारे वेबसाइट से डील कीजिए जो पहले ही इन सब चीजों के ऑनलाइन सेल बिजनेस में हैं। हम अपना प्रोडक्ट्स उन्हीं की वेबसाइट में डिस्प्ले करेंगे। मेरे दिमाग में अब बिल्कुल ही नया प्लान था। मुझे अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन चलाना था, पर दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट की मदद से। इसमें खर्चा काफी कम होता। एक एक करके मैंने 3-4 वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए थे। ईशान से मिले हुए 7 दिन से ज्यादा हो गए थे। उसने अब तक हमसे कांटेक्ट नहीं किया था, जबकि 7 दिनों में मैंने अपना डील भी निकाल लिया था। मैं काम कर रही थी तभी अरविंद मेरे पास आ गए। कहने लगे ईशान सर का फोन आया है, इस डील के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कह दिया अभी श्रेया मैडम काफी बिजी है, फ्री होकर आपसे बात करें।
करेंगी। मैं उसको देखकर मुस्कुराई, कहा, आपने बिल्कुल सही किया, पर मैं उससे अब बात नहीं करना चाहती थी। शाम को काम खत्म करके मैं ऑफिस से निकल रही थी, तभी मेरी दोस्त निकिता, जो कि मेरे लिए ही काम करती ही थी, मेरे पास आ गई। कहने लगी, यार काफी दिनों से बोर हो रही हूँ, आज वीकेंड है, चलो ना नाइट क्लब चलते हैं। पूरे हफ्ते की थकान मुझे भी थी, मैं भी नाइट क्लब आ गई। हम दोनों नाइट क्लब में आकर गपशप कर रहे थे, कुछ लड़कों के ग्रुप भी हमें देखकर हमारे पास आ गए, हमसे बात करने लगे थे। तभी अचानक डांस फ्लोर में मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी, वह किसी लड़की को किस कर रहा था। मैंने उस किस को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी, मैं अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। अचानक लड़का पीछे हटा तो मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मैं अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसे देखती ही रह गई। पर तभी उस लड़के की नजर मुझ पर पड़ी और वह भी बिल्कुल शॉक्ड अपनी जगह पर खड़ा रह गया। कहानी ईशांत की जुबानी, मैं श्रेया को बुरी तरीके से घर से निकाल दिया था। उसके चेहरा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह रोने वाली है, पर मैं बेहद गुस्से में था। उसके मुंह से रोहित का नाम सुनकर जाने मेरे अंदर इतना गुस्सा कहां से आ गया था। पर बाद में जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, मुझे उसके लिए बेहद बुरा लग रहा था, लेकिन मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अपनी ऑफर कहे मुताबिक दुगुनी कर दी थी। 7 दिन हो चुके थे, उनकी कंपनी से दोबारा बात नहीं हुई। मैं अरविंद को खुद फोन किया था, उन्होंने कहा मैडम फ्री होगी तो बात करेंगी। मेरा मूड बेहद खराब था। टीना ने कहा चलो ना आज नाइट क्लब चलते हैं। मैं श्रेया को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता था। टीना के साथ नाइट क्लब आ गया, उसके साथ डांस करने लगा। तभी टीना अपने होठों को मेरे बेहद करीब ले आई और मुझे किस करने लगी। एक पल के लिए बेहतर लगा था, लेकिन फिर उसे दूर हटा दिया। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे सवाल पूछ रही हो क्या हो गया, लेकिन मैं उसे बता नहीं सका क्या हो गया। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, ऐसा नहीं कि उसने पहली बार किस कर रहा हूँ। 1 साल से वो मेरी गर्लफ्रेंड है, जब बिल्कुल अकेला था तब टीना मेरी जिंदगी में आई थी। उससे कुछ बोलूं, इससे पहले मेरी नज़र सामने बैठे एक लड़के लड़की के ग्रुप पर पड़ी। सामने रेड ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी, मैं उसके पैर से सर की ओर जैसे ही देखा उसकी आंखें देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। श्रेया यहाँ क्या कर रही है, यह लड़के कौन है जिसके साथ बैठी हुई है और उसने मुझे शायद किस करते देख लिया है, उसका चेहरा बता रहा है। उसने अपनी नजरें नहीं हटाई, मुझे देखी जा रही थी। मुझे श्रेया से बात करनी होगी। मैं जल्दी से टीना से कहा तुम बैठो, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ, कहकर मैं सीधे श्रेया के पास आ गया। श्रेया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उसकी नजरें मुझ पर थी। मैंने कहा हमारी कंपनी के डील के बारे में आपने कुछ फाइनलाइज नहीं किया। उसने एक पल के लिए देखा मुझे, अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर कहा हम अपनी वेबसाइट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, प्लान चेंज हो गया है, इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं कर सकती, हम दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कस्टमर का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। लेट्स सी मिस्टर ईशांत, एकदम प्रोफेशनल अंदाज में कहा, और फिर वह नाइट क्लब से निकलकर जाने लगी। मैं उसे रोकना चाहता था, उसे बात करना चाहता था, सबसे बड़ी बात उसे माफ़ी मांगना चाहता था, पर टीना मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं टीना के पास आ गया, लेकिन एक पल के लिए मुझे क्या हुआ, मैंने कहा टीना मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम में जाना है, तुम घर चली जाना, आई एम सो सॉरी मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, कहकर लगभग दौड़ते हुए मैं नाइट क्लब से बाहर निकला। मैंने देखा वो अपने कार पार्किंग एरिया में जा रही थी, दौड़ते हुए उसके पास आया, कहा रुको श्रेया, एक पल के लिए पीछे मुड़ी, कहा अब क्या बात करना चाहते हैं आप। मैंने कहा आई एम सो सॉरी उस दिन के लिए। यह बात सुनते ही उसका चेहरा फिर से बदल गया, ऐसा लगा उसे इस बात का बहुत दर्द है। मैंने कहा मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, रोहित का नाम सुनकर जाने मुझे क्या हो गया था। श्रेया ने कहा देखो ईशांत, बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खूबसूरत है, वही लड़की थी ना जिससे तुम किस कर रहे थे। मैंने कहा हाँ वह टीना है। उसने कहा तो उसे छोड़कर मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए, जाओ उसी के पास, मैं तुम्हारी कुछ थोड़ी ना लगती हूँ, कहकर वह मुड़ गई। ऐसा लगा मेरे सामने और रुकना नहीं चाहती थी। यह पक्का रोने वाली है, मैं जानता हूँ, इसका चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ कितना बुरा इंसान हूँ जो बार बार इसे
दुख देता हूँ। मैं पीछे पीछे आ गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, बोला, श्रेया रुको, तुम खुश तो हो ना? उसने एक फीकी मुस्कान दी, कही, यही है जिंदगी मिस्टर ईशान। एक पल के लिए उसकी ओर देखकर जाने मुझे क्या हो गया था, मैं उसके करीब आ गया, उसके होंठों को चूमने लगा। एक पल में मैं दूसरी दुनिया में था। उसने कहा, यूं करीब मत आओ, फिर दूर नहीं जाने दूंगी, मुझे कमजोर मत करो। मैं उससे दूर हो गया, गहरी सांस लेने लगा था। चिट क्या कर बैठा, पागल हूँ क्या? वह अपनी कार से फिर मेरे सामने से निकल गई। मैं वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा था, मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे पास धन है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, गर्लफ्रेंड है, मैं खुशनसीब इंसान हूँ। मैं भी एक फीकी मुस्कान दी सोचने लगा, फिर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? घर पर आ गया था, सोचने लगा क्या कमी है। तभी मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया, उसने मुझे अपने घर पर एक पार्टी में बुलाया था। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। मैंने सोचा मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं बिजनेस में ध्यान दूँ। अगले दिन मैं उस पार्टी में पहुँच गया, मेरे क्लाइंट मेरा स्वागत किया, जगह खचाखच लोगों की भीड़ से भरी हुई थी, यंग लड़के और लड़कियाँ थे। मैंने कहा, करण आज ओकेशन क्या है, तुमने तो पार्टी की वजह ही नहीं बताई। उसने कहा, आज मेरी बहन का बर्थडे है। मैंने कहा, कहाँ है तुम्हारी बहन, मैं भी उसे विश कर दूँ। उसने कहा, वो उधर ब्लू ड्रेस में, और एक उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, आज इसलिए तुम्हें भी बुलाया, आज हमारी फैमिली में नई खुशी आने वाली थी। मैंने सोचा जाकर उसे विश कर देता हूँ। मैं उसके पास आया, कहा, हेलो, हैप्पी बर्थडे मिस। जैसे ही उसने नजर घुमाई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा, मिस्टर ईशांत, आप यहाँ मेरे बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं पता था आपका बर्थडे पार्टी है, मुझे तो मेरे क्लाइंट मिस्टर करण ने बुलाया था। उसने कहा, आपके बर्थडे विश के लिए थैंक यू। फिर वह अपनी सहेलियों के पास चली गई। दोबारा वह मुड़कर मेरी ओर नहीं देखी। मैं भी वहां से अलग हट गया था। आज श्रेया की बर्थडे मैं कैसे भूल गया। तभी उधर से माइक में अनाउंसमेंट हुई, श्रेया के पापा थे। उसने कहा, आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है और इसी मौके में मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैं श्रेया की आंखों में देखा तो वह बिल्कुल शॉक्ड होकर अपने डैड को देख रही थी। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है, मैं चाहता हूँ श्रेया और रोहित शादी के पवित्र बंधन में बन जाए। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा किसी ने जोर से मेरे पेट में मुक्का मारा हो। श्रेया के हाथ में ड्रिंक की जो ग्लास थी वह नीचे गिरकर टूट गई। उसके चेहरे पर एक खौफ था, जाने उसे इस बारे में मालूम ही नहीं था। उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो रोहित को चाहती है। उसके चेहरे में जरा भी खुशी नहीं थी। उसके डैड ने रोहित और श्रेया को स्टेज में बुलाया था ताकि रिंग एक्सचेंज हो सके। रोहित तो पहले ही उसके डैड के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोहित के पापा मम्मी भी आ गए थे, लेकिन श्रेया वहीं पर खड़ी थी। उसका भाई करण उसे लेने आ गया। उसने अपने भाई को इशारा किया कि वहीं रुक जाओ। चलने लगी थी पर कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं उसके करीब गया, अचानक ही वो गिरकर बेहोश हो गई। मैं उसके नीचे गिरने से पहले उसे थाम लिया था। अब लोगों में भी शोर शुरू हो गया था। उसे लेकर उसके परिवार वाले अस्पताल चले गए थे। मैं भी अपनी BMW में बैठकर उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। बाहर आकर कहने लगे, शॉक की वजह से बेहोश हुई है। अब मैं समझ चुका था वो रोहित से शादी नहीं करना चाहती। क्या इसकी वजह मैं हूँ? जैसे ही मैं उसकी जिंदगी में आया हूँ, हो सकता है उसका पुराना प्यार जाग गया हो। कहानी श्रेया की जुबानी, मेरी और रोहित की सगाई होते होते रह गई थी, क्योंकि यह बात सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। आज ईशांत ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, कहा, तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती श्रेया? हम 8 साल बाद मिले हैं। मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत दूरियां आ चुकी है, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि तुम रोहित से प्यार नहीं करती हो, और मैं भी यह नहीं सोच सकता कि तुम रोहित की हो जाओगी। क्या हमारे बीच में जो दीवार है उसे हम हटा नहीं सकते? मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और जब तक वह राजी नहीं होंगे मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं उसकी तरफ देखने लगी, अपने कानों से जो सुन रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, पर तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। उसने कहा, मैं उसके साथ सीरियस नहीं हूँ, तुम तो मुझे जानती हो, मैं बैड बॉयज टाइप्स। जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था न जाने मुझे क्या हो गया था। आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से, बस तुम्हें पाना चाहता था। मुझे लगा था तुम्हें पाने के लिए मुझे अपने आप को और ऊंचा उठाना पड़ेगा। इस चक्कर में मैं इतनी ऊंचाई के मुकाम तक पहुंच गया,
पर मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे दूर हो गया। उस दिन तुम्हारे पापा ने हम दोनों को जुदा नहीं किया होता तो पता नहीं मैं उस मुकाम तक पहुँच पाता या नहीं। लेकिन अब जब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, वह भी तुम्हारे पापा और तुम्हारी वजह से, तो मैं अपनी ओर से कोशिश करना चाहता हूँ। क्या तुम तब तक रुक सकती हो जब तक वो हाँ न कह दे? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। मैंने कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ मेरे डैड एक न एक दिन ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि जब तक ईशांत मेरे साथ है मैं किसी भी हाल में उनकी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती। लेकिन ईशांत मेरे पापा की इजाज़त से ही शादी करना चाहता था, इसलिए मैं इंतज़ार करूंगी, चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो। तब तक मैं अपने बिजनेस संभालूंगी और अपना सारा प्यार सिर्फ ईशांत पर ही लुटाऊंगी। उसने मुझे प्यार से गले लगा लिया था और उसकी बाहों में ही मेरी मुक्ति थी। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।